जी बोलिए, अब आप क्या कह रही थी? ये रास्ता है झूले का? जी यहाँ पापा बोले थे यहाँ पे भी लगे हैं झूले। हाँ पापा बोल रहे थे। खैर उन्होंने अभी तो गाने शुरू नहीं करे, लेकिन ये लगाएंगे गाने भी। और यहाँ पर जो ये पूरा लगा हुआ है ड्राई फ्रूट्स का, ये सारा यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का जो स्टॉल लगा हुआ है इसके साथ ही। और यहाँ पर जो है वो तकरीबन सारे के सारे जो हैं आपको मिलेंगे, एंटिक ज्वेलरी भी मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर लगाया हुआ है इन्होंने एंटिक, ये सारा एंटिक लगा हुआ है। ये अभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने उसको। और यहाँ पर भी एक स्टॉल लगा हुआ है जो कि क्या कहते हैं इनका जो एंटिक है, इनके जो चर्च से रिलेटेड है ना, वो सारा जो है यहाँ पर इन्होंने लगा रखा है एंटिक है सारा इनका। इसमें शायद बेचेस वगैरह हैं, सारे बेचेंगे। कुछ किचन हैं, जैसे ये किचन हैं, और ये जो हैं वॉल हैंगिंग है सारा। इसमें कुछ जो है वो वॉल हैंगिंग होते हैं, जैसे ये इस तरह के हैंगे वॉल हैंगिंग होंगे, और साइड पे ड्रॉस पे रखने के होंगे, ये भी जो है वॉल हैंगिंग है। और ये सारे जो हैं वो ये सब भी वॉल हैंगिंग्स हैं, बहुत सारा इसमें वॉल हैंगिंग है। और यहाँ ये इनके जो हैं वो क्रिसमस की इनका क्या कहते हैं क्रॉस बना हुआ है इनका, ये सारा क्रॉस बना हुआ है, ये सारा लगा हुआ है यहाँ पर। बस वहाँ पर भी जो लग रहे हैं सारे स्टॉल्स लग चुके हैं, तकरीबन सुबह से इन्होंने लगाना शुरू कर दिए थे। और ये जो गली है ये वो गली है जहाँ से मैं अपने बच्चों को रोज़ाना स्कूल छोड़ने जाती हूँ ना, तो ये वही रॉ है। और यहाँ आप इस रॉ को देख सकते हैं कि ये कितनी डिफरेंट सी लग रही है। तो यहाँ इस फेस्टिवल में आपको जो है ना वो तकरीबन हर चीज़ मिलेगी, एक पूरा बाजार लगता है, मार्केट होती है एक तरह से पूरी, जहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर ये स्लाइसर बेच रहा है, जैसे हमारे पाकिस्तान में होते हैं ना मार्केट में अक्सर लगे होते हैं स्लाइसर बेचने वाले। तो अभी तो फिलहाल शाम हुई है, जब पब्लिक आना शुरू होगी ना तो पब्लिक का हजूम जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये यहाँ पर कटिंग करके भी दिखाएगा सारा इन्होंने सलाद का सिस्टम रखा हुआ है। और यहाँ पर ये परफ्यूम दे, और ये बच्चों की टॉयज वगैरह का स्टॉल लगा रखा है इन्होंने। चलो आ जाओ। और यहाँ सामने लगे हुए क्लोथ्स, ये अफ्रीकन है, अफ्रीकन उसने लगा रखा है स्टॉल। तो ये अफ्रीकन रिलेटेड जो क्लोथ्स हैं थोड़े से, इनके ट्रेडिशनल भी कुछ इस तरह के होते हैं पहनते हैं, यहाँ पे मैंने अक्सर देखा गर्मियों में इस तरह के कपड़े लोग पहन लेते हैं, हल्के हल्के से विदाउट स्लीव्स जो होते हैं वो ये पहन के अक्सर घूमती हैं। और यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है पीछे ना, अच्छा ये दिखाया है इन्होंने यहाँ पे कि अगर आपका ग्रीस वाला गंदा हो जाए चूल्हा या आपकी सारी चीज़ें, तो आप इस प्रोडक्ट से क्लीन कर सकते हैं। और ये भी एक स्लाइसर वाला है जो स्लाइसर अपना बेचने के लिए लगाया है, उसने खड़ा है। और फिर से एक प्राइस सारा जो है ना वो यहाँ पर इस तरह का, ये देखें यहाँ पर भी ये अफ्रीकन है, और ये अफ्रीकन से रिलेटेड जो है ना उन्होंने यहाँ पर क्या बेटा किसी को मारा उन्होंने। ओके ये questo sono io Giorgio nato e cresciuto a Galatina galatinese da generazioni। यहाँ ये गलतीना के बारे में एक छोटी सी स्टोरी सुनाएगा आपको, जो ना वो गेट लगा रखा anche mio nonno di Galatina। और यहाँ पर जो है वो लगा हुआ है हाँ फेडल फॉल नहीं, हाँ यहाँ मना है कि यहाँ नहीं जाना है। और यहाँ इन्होंने सारी बाइक्स वगैरह रखी हैं, अगर आप जी ये है ये बाइक जो है वो आप देख सकते हैं कुछ 6000 यूरो की है, और सेम ये भी 6000 यूरो की है, ये दोनों बाइक्स कुछ 6000 यूरो की हैं। पीने वीने का कुछ भी इंतज़ाम नहीं है, और इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करा है, रात होगी तो सब अच्छे से चलेगा। ओके ये कुछ बताना चाहती है जी। ओके ये जो टिक टिक की आवाज़ आ रही है ना उस पर ये बोल रही है कि ये बॉम्ब फटने वाला है, तो यहाँ से हमें जल्दी से भागना चाहिए राइट। ओके तो फिर भागे, बंद हो गया, मुझे लगता है डिफ्यूज़ हो गया, बॉम्ब फटा नहीं ना डिफ्यूज़ हो गया, आवाज़ भी बंद हो गई। तो ये बच्चे हैं, ये बच्चे कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो चलो आ जाओ चले, मतलब
सो फिर हम वापस उस जगह पर आ गए जो चेंत्रो यहाँ का, ये जैसे ये पार्क इसके सामने अक्सर आप लोगों ने मुझे देखा होगा, ये इसके सामने यहाँ पे, तो ये बिल्कुल चारों तरफ से जो है वो चराहा जिसे कहते हैं, चराहा है ये। और यहाँ पर देखिए इस तरफ इसके राइट साइड पे और लेफ्ट हैंड और राइट साइड और इसके आगे और इसके पीछे सब जगह जो है वो शॉप्स वगैरह लगी हुई हैं। पूरा मतलब यहाँ पर सर्कल सा इन्होंने लगा रखा है, ये जैसे यहाँ पे भी इन्होंने फूड कोर्ट लगा रखा है, यहाँ पर जो लाइन्स जैसे से फूड कोर्ट लगे हुए हैं और आगे जाके फिर से स्टॉल आ जाएंगे जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो सेल हो रही होंगी। Scusi, questo quando? 15? कैंडीज लवर्स हैं तो यहाँ पर कैंडीज भी जो है वो आपके लिए बहुत सारी मौजूद है। मुझे हमेशा ये बड़ा बड़ा पसंद है इनका फाउंटेन, नारियल और बादाम का फाउंटेन है। यहाँ पॉपकॉर्न बनेंगे और साथ में बनेगा पिलाता। मैं यहाँ वीडियो बनाती रह गई, ये लोग वहाँ निकल गए, मैं देखती हूँ कि कहाँ चले गए। मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ गए। ग्रास अम्मा, ओके ग्रास। मैं भी आई बेटी, मैं ढूंढ रही थी कहाँ गई, मुझे पलट के आई मम्मा मैं यहाँ पर हूँ। सो यहाँ है ना इस पास में इन्होंने लगाया हुआ है, बच्चों के थोड़े झूले वगैरह भी लगाए हुए, तो बच्चों को ले जाते हैं वहाँ पर। फ्रेंड मिल गया है, वो अमना का फ्रेंड है और वो अमना है। मैं तो बनाई नहीं। और यहाँ पर जो है इनकी ट्रेडिशनल जो है वो चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे हमारा ये हर्बल्स जो है प्रोडक्ट्स हैं ये सारी। यहाँ आपको दुनिया की बेहतरीन अल्कोहल्स मिल जाएंगी। एक मकड़ी ले ले। मकड़ी? वेयर इज मकड़ी? वहाँ, ओके। और यहाँ पे इनका ये ज्वेलरी है जो ये बना रहे हैं तार से, वायर से ज्वेलरी बना रही है, खुद भी कुछ पहनी है ज्वेलरी जैसा। मेरी मेरी हम नहाती। और यहाँ पर इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी मकड़ियाँ, वाह साले, कितनी बड़ी बड़ी मकड़ियाँ बनाई हुई। और अगर आपको भूख लगी है तो यहाँ टेबल्स हैं, आप आए यहाँ पे पिज़्ज़ा एंजॉय कर सकते हैं।
और मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा क्लिप भी बना लूँ इस चर्च का।